वहीं नगर निगम रिसाली क्षेत्र की कांग्रेस से जुड़ी सैकड़ों महिलाओं ने दुर्ग सांसद विजय बघेल और भिलाई जिला भाजपा अध्यक्ष ब्रजेश बिचकुरिया की उपस्थिति में भाजपा में प्रवेश किया। भाजपा में आए लोगों को भाजपा का गमछा पहनाकर प्रवेश करवाया गया। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जनहित में किए जा रहे कार्यों को देखते हुए नगर पालिक निगम रिसाली क्षेत्र की अनेकों कांग्रेस से जुड़ी महिलाओं और पुरुषों द्वारा भाजपा में विधिवत प्रवेश किया गया। दुर्ग सांसद विजय बघेल के निवास में आयोजित कार्यक्रम में सांसद विजय बघेल, भिलाई जिला भाजपा अध्यक्ष ब्रजेश बिचकुरिया के नेतृत्व में भाजपा का गमछा पहनाकर लोगों को भाजपा में प्रवेश कराया गया। नौ प्रवेशियों ने सांसद और भिलाई जिला भाजपा अध्यक्ष का बुके भेंट कर स्वागत किया और पार्टी की रीति नीति पर चलने का संकल्प लिया। सांसद विजय बघेल और भिलाई जिला भाजपा अध्यक्ष ब्रजेश बिचकुरिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जो सरकार चल रही वर्तमान है उसके मुख्यमंत्री उनके मंत्रियों से लोग त्रस्त हो गए, परेशान हो गए। आए दिन भ्रष्टाचार, बलात्कार, शराबखोरी और लोगों को बेवजह पुलिस के माध्यम से परेशान करना, इस तरह जो वाकया चल रहा है, सट्टा जुमा और बड़े बड़े माफिया हो गए हैं आज तक। जो माफिया बड़े बड़े मेट्रो सिटी में हुआ करते थे, आज जहाँ भिलाई में दिखने लगे, ऐसे माफियों का राज है। कोयला चोरी, ये सबसे पूरे छत्तीसगढ़ के जनता तो त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता त्रस्त हो चुके हैं, क्योंकि कुछ दलालों में लोग ही इनके आगे पीछे घूम रहे हैं और वो ही ऐसा कर रहे हैं, वो ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लेकिन जिन लोगों के मन में पार्टी के प्रति भावना थी, जिन लोगों के मन में छत्तीसगढ़ के प्रति भावना थी, जिन लोगों के मन में अपने क्षेत्र के प्रति भावना थी, वो टूट चुकी है और उसका प्रतिफल दिख रहा है कि 15 साल तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर सेवा दिया और वर्तमान में केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश की सेवा में लगे हुए हैं और अखंड भारत के निर्माण में जो उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया उसको लोग देख रहे हैं और विश्व स्तर पर कैसे हमारा हिंदुस्तान पहुँचे उसके लिए स्वतंत्र नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी उसके कारण प्रभावित होकर अब हमारे भाई बहन युवा साथी सभी भारतीय जनता पार्टी को और आकर्षित हो रहे हैं और इसकी सदस्यता को आत्मसात करने के लिए आज यहाँ मेरे निवास में उपस्थित हैं। सिलसिला है और आगे सिलसिला पार्टी की जो नीतियाँ हैं जिनमें हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो लोगों को सौगात दी जा रही है, आज उज्ज्वला योजना है, आज जनहित का खाता है, आज रोजगार दिए जा रहे हैं और इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं केंद्र की जिसके माध्यम से बिना भेदभाव के सबको उसका लाभ पहुंचाया जा रहा है। लोग उस बात से प्रभावित हो रहे हैं और प्रभावित होकर के अपनी अपनी पार्टियां जिसमें ना नेता है ना नीति है उनको छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और एक तरफ दूसरी तरफ आज कांग्रेस की स्थिति है कि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी दुर्व्यवहार कर रहे हैं और उसका ही परिणाम है कि हमारे रिसाली क्षेत्र से गृहमंत्री होने के बाद उनके कर्मठ कार्यकर्ता पार्टी छोड़ करके आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में अभी तो ये क्या बोलते हैं लड़ाई आगे और लड़ाई वाली बात है ना, तो अभी जो कार्यकर्ता जो आए हैं तो छोटे छोटे कार्यकर्ता आए हैं। अभी मेरे संपर्क में भिलाई नगर निगम के कम से कम 6 पार्षद जो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं बहुत जल्दी ज्वाइन करेंगे। किसी का नाम बताएंगे? नाम अभी नहीं बताऊंगा, मैं नाम बताऊंगा, निर्दलीय भी हैं और पार्टी के भी बहुत जल्द हमारी पार्टी में शामिल होंगे और आप सब लोगों को उसी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं हमारे एससी एसटी मोर्चा के जो कांग्रेस में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता हैं और कांग्रेस में जो 25 साल से काम कर रहे हैं वो भी मेरे संपर्क में हैं, वो भी मेरे से बात हुई है उनकी और वो बोले भैया हम बहुत जल्द आपके साथ ज्वाइन करेंगे। कब तक घोषणा करेंगे? ये बहुत जल्दी होगी। बहरहाल इस अवसर पर भाजपा के विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।